धनबाद समाहरणालय के समीप राज्य अनुसचिवी कर्मचारी संघ के बैनर तले समाहरणालय अंचल प्रखंड रजिस्ट्री कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी धरना पर बैठ गए हैं, जिससे सभी कार्यालय के कामकाज ठप पड़ गए हैं। 9 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर सभी गए हैं। वहीं हड़ताल में जाने से कार्यालय आने वाले लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरना पर बैठे संघ जिला मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि 9 सूत्री मांग सरकार से उन लोगों की है, ग्रेड पे में बढ़ोतरी, अनुबंध वालों को अस्थायीकरण, चतुर्वर्गीय कर्मी को पदोन्नति सहित आदि मांगे हैं। धरना स्थल में कर्मचारी संघ से बात की। मैं बागमारा बाजार से आया हूं, डीसी ऑफिस में मुझे कुछ काम था जमीन से रिलेटेड, लेकिन यहां के कर्मचारी लोग जो अभी हड़ताल पे आ गए हैं, जिसके चलते काफी असुविधा हो रही है और काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। आप देखिए कब तक ये हड़ताल चलती है, बस यही देखना है कि जल्द से जल्द सरकार को मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करें और जो आम पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। आज आए तो ये काम के लिए आए थे, तो सोचे थे आज कुछ मेरा काम आगे बढ़ेगा, लेकिन नहीं हुआ पाया। कर्मचारी लोग चूंकि हड़ताल पे चले गए। देखिए ये जो है मेरा मुख्य मांग जो है कि निम्न वर्गीय कर्मियों को जब ग्रेड वेतन 1900 रुपया है उसको 2400 कर दिया जाए, जिसके चलते विगत 2 वर्षों से हम उच्चाधिकारियों के पास दौड़ते रहे, सिर्फ आश्वासन मिला परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और निश्चित रूप से हमारे हड़ताल में जाने से जिले का विकास प्रभावित होगा और ये राज्यव्यापी हड़ताल है तो 2400 जिला में स्ट्राइक है तो 2400 जिला में विकास प्रभावित होगी। हम लोग राज्य स्तर पर 6000 से ज़्यादा कर्मी हैं और यहाँ 200 से कुछ से ज़्यादा हैं। मनहाले के अतिरिक्त अनुमंडल, प्रखंड, अंचल जहाँ हमारे कर्मी हैं वहाँ सब कोषागार, निबंधन, वो सारे स्ट्राइक में। मैं तो आम जनता से अपील करूँगा कि आप भी हमारा साथ दें, क्योंकि हम भी एक जनता ही हैं ऑफिस के बाद, तो उसको थोड़ा जनता उसको माफ़ करे हम लोगों को, हम भी उनके साथ हैं तो वो हमारे साथ। सरकार से सम्मानजनक समझौता हो जाए तो हम कर लेंगे। और जहाँ तक सम्मानजनक समझौता का है तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी प्रदेश के विकास के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हम भी उनमें से एक हैं, तो हमको भी सुना जाए और मेरे भी मांग को ससमय पूरा किया जाए।